हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट टू सोशोलॉजी सब्सिडी के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये सोशोलॉजी सब्सिडी का तीसरा वीडियो है पहला और दूसरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चलिए क्वेश्चन की तरफ़ बढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है भारत में दहेज निरोधक अधिनियम कब पास हुआ भारत में दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पास हुआ ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1961 में नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें कौन वृद्ध जनों की समस्याओं के कारण नहीं हैं वृद्ध जनों की समस्याओं के कारण कौन सा नहीं है अपनापन ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अपनापन वृद्धजनों की समस्याओं का कारण नहीं है इसके अलावा व्यक्तिवादिता भौतिकता एकाकी परिवार ये सब वृद्धजनों की समस्याओं का कारण है नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय रेलवे द्वारा कितने वर्ष के बाद के वृद्धों को रेलवे किराए में वन बाई फोर प्रतिशत की छूट दी जाती है साठ वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को ऑप्शन सी हो जाएगा साठ वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन निर्धनता की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है यह कथन किसका है तो यह कथन योगेश अटल का है ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर योगेश अटल घरेलू हिंसा का रूप नहीं है घरेलू हिंसा का रूप कौन सा नहीं है पत्नी को पीटना ये घरेलू हिंसा का रूप है भाव भावनात्मक दुर्व्यवहार ये भी घरेलू हिंसा का रूप है यौन दुर्व्यवहार ये भी है तो ये तीनों है ये पत्नी से रोमांस करना यह घरेलू हिंसा का रूप नहीं है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा किसने पूंजीवाद तथा जनता का शोषण को निर्धनता का कारण बताया पूंजीवाद तथा जनता का शोषण को निर्धनता का कारण कार्ल मार्क्स ने बताया ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स एकाधिकार की निर्धनता का कारण है किसने कहा एकाधिकार की निर्धनता का कारण है यह कार्ल मार्क्स ने कहा ऑप्शन ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स राष्ट्रीयकरण की नीति किस वर्ष लागू की गई राष्ट्रीयकरण की नीति उन्नीस में लागू की गई ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा उन्नीस में चौदह व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था व्यापार में तेजी मंदी या उतार चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी का क्या नाम है तो व्यापार में तेजी मंदी या उतार चढ़ाव से उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी सोशल प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं सोशल प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक के लेखक लैंडिस है ऑप्शन सी हो जाएगा लैंडिस दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेश्यावृत्ति की विशेषता है वेश्यावृत्ति की जो विशेषता है एक व्यवसाय अवैध यौन संबंध गंभीर समस्या ये तीनों हैं तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी वेश्यावृत्ति के आर्थिक कारण में नहीं आते हैं। वेश्यावृत्ति के आर्थिक कारण में कौन नहीं आते हैं तो परोस दूसरा ऑप्शन हो जाएगा परोस शराब की असामान्य आदत मद्यपान है यह कथन किसका है शराब की असामान्य आदत मद्यपान है फेयर चाइल्ड का ये कथन है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा फेयर चाइल्ड सामाजिक समस्या के अंतर्गत किस समस्या का अध्ययन किया जाता है सामाजिक समस्या के अंदर अंतर्गत जो है विद्युतों की समस्या का अध्ययन किया जाता है दहेज प्रथा का भी अध्ययन किया जाता है प्रदूषण का भी तो तीनों सही है इसका तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी का अध्ययन किया जाता है जब डॉक्टर को कंपाउंडर के पद पर कार्य करना पड़े तो उसे क्या कहेंगे जब डॉक्टर को कंपाउंडर के पद पर कार्य करना पड़े तो उसे अर्ध बेकारी कहा जाता है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा अर्ध बेकारी वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है उन्नीस में लागू किया गया ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा वर्ष उन्नीस में भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम उन्नीस लागू किया गया इस अधिनियम के अंतर्गत गठित राज्य बोर्ड को ही वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया था सामाजिक समस्या के अंतर्गत किस समस्या का अध्ययन किया जाता है सामाजिक समस्या के अंतर्गत विरोधों की समस्या दहेज प्रथा और प्रदूषण तीनों का अध्ययन किया जाता है तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी मनरेगा किससे संबंधित है मनरेगा जो है ये रोजगार से संबंधित है ऑप्शन सी हो जाएगा रोजगार काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई काम के बदले अनाज योजना 2004 में शुरू की गई ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 2004 में नेक्स्ट क्वेश्चन अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस अनुच्छेद से संबंधित है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम अनुच्छेद 17 में है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद दोस्तों ये सोशोलॉजी सब्सिडी का तीसरा वीडियो है पहला और दूसरा वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा या फिर आप प्ले में भी जाके देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस वर्ष लागू किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस वर्ष लागू किया गया 1980 में ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 1980 में लागू किया गया एनोमी शब्द की चर्चा सर्वप्रथम किसने की थी एनोमी शब्द की चर्चा सबसे पहले एमाइल दुर्खिम ने की थी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा एमाइल दुर्खिम ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचना से संबंधित है दहेज का संबंध ऑप्शन ए हो जाएगा दहेज निम्नलिखित में से कौन गरीबी के प्रभाव स्वरूप उत्पन्न होता है कौन है जो गरीबी के कारण उत्पन्न होता है पारिवारिक विघटन भी भिक्षावृत्ति भी और अपराध भी ये सब गरीबी के कारण होता है तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी बाल मजदूरी निम्नलिखित में से किसका परिणाम है बाल मजदूरी जो है ये गरीबी का परिणाम है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा गरीबी का परिणाम है सामान्यतः मध्यपान का कारण होता है मध्यपान का जनरली कौन सा कारण होता है तो इसका जो कारण होता है बुरी संगति ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर बुरी संगति के कारण ऐसा होता है निम्नलिखित में से कौन घरेलू हिंसा के प्रकार है घरेलू हिंसा के प्रकार आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है तो कौन सा है तो दहेज उत्पीड़न ये घरेलू हिंसा का प्रकार है पत्नी के साथ मारपीट ये भी है मानसिक प्रताड़ना ये भी है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी घरेलू हिंसा के प्रकार है नेक्स्ट क्वेश्चन पुअर इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है पुअर इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक अभिजीत बनर्जी है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अभिजीत बनर्जी निम्न में कौन तलाक का कारण नहीं है कौन है जो तलाक का कारण नहीं है धर्म निरपेक्षता ये तलाक का कारण है व्यक्तिवादिता भी तलाक का कारण है समानता की धारणा ये भी तलाक का कारण है प्रेम पूर्ण भावना ये तलाक का कारण नहीं है तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रेम पूर्ण भावना तलाक का कारण नहीं है तलाक की सिद्धांत पर आधारित है तलाक जो है ये सामाजिक समानता पर आधारित है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक समानता पर स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से कम होना किसका परिणाम है स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से कम होना भ्रूण हत्या का परिणाम है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा भ्रूण हत्या के कारण ऐसा हो रहा है कि स्त्रियों स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से कम होता जा रहा है भ्रूण हत्या के कारण नेक्स्ट क्वेश्चन महिला सशक्तिकरण वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया था 2001 में ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण की नीति 2001 में लागू किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सामाजिक संगठन में होता है सामाजिक संगठन में क्या होता है खरापन होता है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा खरापन सामाजिक विघटन का प्रमुख लक्षण है सामाजिक विघटन का मुख्य लक्षण जो है वो कौन सा है जनसंख्या की विविधता ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक विघटन का मुख्य लक्षण जनसंख्या की विविधता है निम्नलिखित में कौन सी विधि प्राण दंड की विधि नहीं है फांसी पर लटकाना यह प्राण दंड की विधि है सिरोच्छेद मतलब सर को धर से अलग कर देना यह भी प्राण दंड की विधि है अंग विच्छेद मतलब अंग काटना तो अंग को हटा देना इससे प्राण तो नहीं जा सकता तो ये नहीं है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग विच्छेद निर्धनता का व्यक्तिगत कारण है निर्धनता का व्यक्तिगत कारण कौन सा है तो बीमारी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा निर्धनता का व्यक्तिगत कारण जो है वो बीमारी है निर्धनता का आर्थिक कारण क्या है निर्धनता का आर्थिक कारण जो है वो क्या है तो पूंजी का असमान वितरण ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा पूंजी का असमान वितरण नेक्स्ट क्वेश्चन निर्धनता का सामाजिक कारण क्या है निर्धनता का सामाजिक कारण जो है घनी और मंदी बस्ती ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा निर्धनता का सामाजिक कारण घनी और मंदी बस्ती है उन्नीस सौ संतानवे भारत में उन्नीस सौ संतानवे में भारत में निर्धनता की दर क्या थी चौंतीस प्रतिशत थी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा चौंतीस प्रतिशत नेक्स्ट क्वेश्चन बेरोजगारी का व्यक्तिगत कारण क्या है बेरोजगारी का व्यक्तिगत कारण क्या है ऑप्शन में सीमित भूमि जनसंख्या में वृद्धि आयु उद्योगों का केंद्रीयकरण तो बेरोजगारी का जो व्यक्तिगत कारण है वो आयु है आयु के कारण ऐसा होता है तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आयु दोस्तों आज के वीडियो में फोर्टी क्वेश्चन रहने देता हूँ यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ऐसे ही दो से तीन वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा एग्जाम में उसी से क्वेश्चन रहेगा मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर